जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाज चैनल। जी तो क्या हालचाल है सबके, ठीक ठाक है, खुशबाश है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बड़ी मजे की ईद गुजर रही होगी आप लोगों की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ईद मुबारक। ये क्या हो रहा है? अच्छा मैं ईदी देती। ये देखो इसने कैसे पकड़ा है मुझे आके। ईदी चाहिए मैं पैसे को? कितनी ईदी चाहिए बताओ। दो चाहिए? क्या दो चाहिए, दो रुपए दे दो। मैं अपने बेटे को ईदी देती हूँ। हम लोग, आप लोग भी चल रहे हो ना मेरे साथ साथ ही? बस ठीक है, मैं आपको सारों को वापस इकट्ठा करके ईदी दूंगी, ठीक है? तब तक मुझे बख्शिश हो जाएगी। गुड, ठीक है जी, हमारी हो गई है डील। असल में मैं आ गई थी रात में अम्मा की तरफ और यहाँ से हम लोगों ने जाना है मेरी नानों की तरफ, तो हम लोग जाएंगे उधर, मामू लोगों से मिलेंगे, पहले उनसे ईदी ठगेंगे, फिर जो ईदी उनसे ठगेंगे वो इनको दे देंगे। बहुत तेज हो रहा है। कैसा? This is business. ऐसे करेंगे हम। आपको पहले चल के अम्मा की, मम्मा की, रजबाई की, पापा की फाइनल लुक दिखाते हैं। बच्ची ये परियों जरा साथ साथ तो खड़ी हो ना, ऐसे। माँ सदके जाए, मैं कुर्बान जाऊं मेरी बेटियां। ये दोनों ट्विन्स हैं जी, आप लोगों को पता है ये दोनों ट्विन्स हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ डिफरेंट कलर पहना हुआ मगर कपड़े एक जैसे ही हैं उनके। और ये मेरी बेटी है मैमल, और ये तो सबको पता है। स्टॉप पिकिंग योर नोज़। ये तो सबको पता है कौन है। बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा जी। अल्लाह नजर बच से चाहे मेरी जानू को। ये साइड पे वो खड़ा हुआ है इनका भाई। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? किधर ले? किधर ले? बड़ी बेचारी हम, बेचारा हमसे ना शुगर लगाते लगाते मार भी खा जाता है। अंदर चलते हैं, मामा लोगों से मिलते हैं और फाइनल लोग से एक बार फिर निकलते हैं कि मामू की कॉल आ गई है। लेट्स गो, चले चलो चलो मामा जी। कॉपी कर रही थी किसी, क्या जा रहा है अपने भाई को कॉपी कर रही हूँ। तुम लोग तो वैसे ही कॉपी एक दूसरे की प्यारी लगती है। माशाल्लाह ईद मुबारक मेरी जान, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। पिंको नहीं लग रही? पिंको, हाँ पिंको इतनी होए होए। क्या बात है, मेरी माँ ने कितना प्यारा जूता पहना हुआ है। इधर वे तुम कड़े भारी हो। हाय अल्लाह, औलाद होए ना फिर ऐडी प्यारी औलाद हो रही है। इधर वे पहले माँ पे हो जाता कर। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। पापा जी सर, अस्सलाम सर, की हाल है? ठीक हो सर? ठीक हो? क्या हाल है? ठीक हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। हो आई एम सो सॉरी मेरा बेटा। चले आओ, चले नानो घर, चले लेट्स गो। चलो जी नानो घर, नानो घर, नानो घर, नानो घर, बोलो नानो घर, नानो घर, नानो घर, नानो घर, नानो घर। ईद मुबारक नहीं किया तुम्हें? क्या कर चल, ईद मुबारक। ईद नहीं मंगी मेरे को, मैं ताड़ी वड्डी पे आना नहीं। क्या ईद दो आई दियो, कटो पढ़ लो ना बच्चों, चलो सारे में दे। नहीं नहीं नहीं, वो फाड़ के पढ़ो, वो कटो आप दे दो बड़ी बहन की। पढ़ो पढ़ो काट लो। मैं आवा ठीक है, चल बैठा रहे रहने दो। रजबाई को भी ईदी देनी है अभी हमने, हमारा ईदियों का नया काम शुरू हो गया आज, ठीक है? पहले ईदी वहीद भाई को दी हमने। ईद मुबारक, अल्लाह पाक आपको खुश रखे हमेशा, ऐसे ये बात रखे और आपके जल्दी जल्दी ब्याह कराए। हाँ जी, नहीं उनको कहाँ से पता होगा, उनको मेरा भी नहीं था पता। बस ठीक है, आप ना जाके अंदर सबसे बात करो, कहना मैं सरप्राइज लेके आऊँ, मुझे बुलाना। सरप्राइज क्या? तू सरप्राइज है? ईद वाले दिन ऐसा सरप्राइज, ईद वाले दिन ऐसा सरप्राइज। अच्छा अच्छा जी, बच्चों सरप्राइज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बट साहिब। बच्चों आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, देखना आजा सरप्राइज, सरप्राइज हाजिर हो। कैसा कैसा सरप्राइज हमें? अच्छा सरप्राइज ये नहीं है गजल आई है, सरप्राइज ये है कि गजल 12:30 बजे ही आ गई है। क्या करो करो करो, पता लगे व्याह वाली आंटी है ये। सूखे सूखे तो
आगे पैसे लेके आए हो क्या? मम्मी साथ वाला मेकअप बॉक्स रखा है। नो, इतनी डार्क लिपस्टिक मैंने पहले लगाई है, पहली दफा के चलो मेरी खाले खुश हो जाए, कहती हाले भी नहीं डार्क लिया और करा। इसको काली लिपस्टिक लगाओ, काली ला 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 शाबाश ला ला ला, पता लगे तू वेरी वेरी आंटी है। आंटी किस साल वे, किस साल वे? मैंने तो आपसे ज्यादा किया हुआ मेकअप। चल बस ओके, वाओ क्लैपिंग। वन मोर सरप्राइज, बिग सरप्राइज, बिग सरप्राइज। अच्छा जी, मैंने सोचा कि अभी खाना खाने में थोड़ा सा टाइम है तो बच्चों को पहले ईदी दे देते हैं, बजाय इसके कि बच्चे कहें कि नहीं उम्मीद नहीं है, नहीं ईदी देनी। आवाज लगाते हैं, बालो कुड़ियों ईदी बनी दी ले जाओ। ओए 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 ओए, हौसला ओए हौसला, की कर रहे हो? बस यही बच्चे रहे। इससे पहले आपका इरादा बदल जाए हम फौरन से आ गए एक आवाज पे। नहीं नहीं, इरादा मैं घर से करके आई थी। आओ बच्चो, कौन कौन रह गया? और तू है? सब तो लंबा कर देते, कहता मैं पहले। हमने जाना है, हमारे पास टाइम। ओ देख उसको, मार सकते हैं ये लो, पकड़ो तुम्हें सबसे एंड में दूंगी। हमने सबसे पहले मेरी छोटी बेटी सारे चाहिए। चल तू फिर रुक, सब कर, सब तो पहले दो बुद्धि आओ। वन सफर करो मिनसा। अच्छा मिनसा देती हूँ, कितने हुए? देखो मैं। जाओ भागो, और कौन है? मुझे तो काफी मिलेगी बंद कर।
एक कितने सारे आ रहे हैं अपनी भाभी के पास गई थी, ठीक है, उनको मैंने कहा था आप भी हमारे घर का फ्यूचर है, ये आप ऐसे मैंने पैसे करके दिए थे निकाल लें, ये आप भी मेरी भाभी मैनू मौका मिले ना मैं सारे पाल लेना ₹10 ਵੱਡਾ ਹੀ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਖਾਲਾ ਸੋਫੀਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਈਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੇਣੀ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਾਓ ਖਾਲਾ ਰੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ ਸਭਕੇ ਪਾਸ ਅੱਛਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯੇ ਈਦੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਯੇ ਵਾਲੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੁਝੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ ਤੂੰ ਆਏ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ केड़ा रह गया बच केड़ा गया मेरे ये वाली खाला बच गई कैसा दिस इज बिजनेस कैसा मैं बता रही हूँ मैं घर से अहद करके आई थी पागल आये 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 क्या बात है जितनी हारी बनी हुई है और इधर इन्होंने काम छिक दिया है ओके मामू अल्लाह हाफिज तुम्हारे साथ जा रहे हैं ओके अल्लाह हाफिज लेट्स गो 2 आवर्स लेटर जा सब खाना खा लिया आ गई मर्जी है खाली प्लेट रह के खाना खा ले नहीं अरे भर रहे हैं ठीक है असल में मैं जब नानो घर से वापस आई थी तो मैं तब से रजवाई के साथ उनका व्लॉग बनवा रही हूँ मैंने अपने व्लॉग का क्लिप नहीं निकाला मैं आपका ही इंतजार कर रही थी कि मेरे शौहर साहब आ जाएंगे तो फिर हम इकट्ठे बैठ के व्लॉग बनाएंगे अम्मा बताएं बोल दीजिए छुट्टी थी अल्लाह हू अकबर 11 बजे उठाई हुई बदतमीज ने अभी भी ये नहीं राजी हो सकता माँ मेरी राजी हो जाती है ये नहीं राजी हो सकता अभी हम लोगों ने जाना है मैं आप लोगों को अम्मा लोगों से भी मिलवाती हूँ मैंने जाना है घर और मैं आगे थोड़ी देर लेट गई थी खाला लोग भी आ गए थे सारे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया अगर आपने व्लॉग देखना हो जाकर रजवाई का व्लॉग देख लें जो तीसरे दिन का होगा इंशाल्लाह जो आज के दिन ही रजवा ने लगाई है चलेंगे हम लोग बस निकलते हैं निकले जरा सर बाबा की कॉल आ रही है हमने जाना है खाना खाने के लिए इंशाल्लाह फिर खाना शाना खाएंगे जवाब नहीं यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट कर लिया मैंने नहीं खाया हम जाके खाना खाएंगे और फिर अब यहाँ से चलेंगे घर ओके बच्चों अल्लाह हाफिज ईद मुबारक अगेन अल्लाह हाफिज मम्मा चुमी दादा मैं जा रही हूँ आई ना भाई दंदी ना काटा करो अल्लाह हाफिज खाला जी याद रखें इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात अल्लाह हाफिज अनू ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अस्सलाम वालेकुम वाह 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 साथ खड़े हो ना जरा अभी अम्मा के साइड पे आ जाएं अस्सलाम वालेकुम प्यारी औरत कैसी हैं आप माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह नजर व्हाट्सएप चाहे बहुत खूबसूरत लग रही है ये रेडी बॉय बाबा मेरे तो है ही हैंडसम तबीयत ठीक है अब बेहतर हुई है कुछ चले शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा भी बहुत पूछ रही थी आपका सलाम भी बहुत दे रही थी प्यार भी बहुत दे रही थी मुझे उन्होंने कहा था जाके दे देना तो मेरे पास इमानत थी मैंने दे दिया आपको ठीक है जी पापा जी ठीक हो गया हम लोग आए हैं जी खाना खाने मामा भी घर से सीधा इधर ही आ गए थे हम लोग भी मामा की तरह से सीधा इधर ही आ गए तो खाना शाना खाएंगे और फिर घर जाके इंशाल्लाह करेंगे व्लॉग को एंड बिकॉज हमारा दिन खत्म हो गया दूसरा वाला तीसरा वाला दिन देखना है तो कल के व्लॉग में आएगा ठीक है खाना शाना ऑर्डर करते हैं खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से एक है ये क्रिस्पी हनी चिकन एक चिकन डाल
2000 years later. कितने देर बाद आया खाना भला? डेढ़ घंटे बाद खाना आया हमारा. अभी मेरा दिल कर रहा था मैं किचन में क्या बढ़ गया. किचन में खुद घुस गए हम लोग. सही बात है. ये आ गया आलमंड चिकन चाउमिन. ये आ गया मंचूरियन. गुड. अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं वापस अपने घर पे लंबी सी सैर करके. एक पहले मम्मा की तरफ, फिर ऑब्वियसली वो मामू वगैरह की तरफ, फिर खाना शाना खाया, फिर अब हम वापस आ गए हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह. फाइनली डेढ़ घंटे बाद लिटरली हमें आज खाना मिला है. इतना कोई रश था और ऐसा लग रहा था जैसे फ्री खाना मिल रहा है. और सारे आज खाने चाइनीज के. हाँ, और पहली दफा ही इस रेस्टोरेंट में हुआ है कि तीन चार. हाँ ऐसे ही हम पहले भी गए हैं, इतना कभी इंतजार नहीं करना पड़ा, मगर आज तो कोई अखीर ही हो गई थी. मैं टेबल पे लेटी मेरी आंखें लग गई उधर. टेबल भी हमें लेट मिला. हाँ, पहले टेबल लेट मिला आधा घंटा, उसके बाद डेढ़ घंटा हमने खाने का इंतजार किया तो मत बज गई थी हमारी. ठीक है जी. खाना लेट है, सोन दिया. मुझे शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने मम्मा के तरफ इतना खाना खाया नहीं. वो थोड़ी सी बिरयानी टेस्ट की थी इसलिए कि हमने बैठ जाकर खाना खाना है, इकट्ठे खाना खाएंगे. वो फिर हुआ अल्लाह करना कुछ ऐसा कि वो कहते हैं ना, करो जाओ खा के ते अगो मिले जाके, कुछ इसी किस्म का कहते हैं. करो भूखे ते बारो भी भूखे. तो यही खैर बात हुई है, मगर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन दूसरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन गुजर गया. मैं मामू लोगों से भी मिल लिया और इधर मामू ससुर लोगों से भी मिल लिया, विच वॉज अ गुड आउटिंग. तो जवाद साहब हमारे साथ वापस नहीं आए क्योंकि जवाद साहब चले गए थे अपने दोस्तों के पास. उनके दोस्तों की कॉल आई थी कि जी आ जाओ कोई चाय शाय पीते हैं, तो वो फिर रेस्टोरेंट से सीधा उधर ही चले गए. तो मैं अम्मा लोगों के साथ वापस आ गई. मैंने कहा मैं बता दूं पहले ये ना, और लोग कहें शोहर किधर है तुम्हारा, कहाँ चला गया. तो जवाद साहब गए हैं दोस्तों के पास क्योंकि कल भी वो फैमिली में ही थे, आज भी वो फैमिली में ही थे. तो हमने फिर कहा कि चले जाए, खैर से जाए, कोई बात नहीं, आ जाइएगा बस टाइम से आ जाइएगा. तो अब वो गए हुए हैं अपने दोस्तों के पास चाय शाय पीने के लिए. अगर आप लोगों का ईद का दूसरा दिन अच्छा गुजरा हो तो नीचे जाकर कमेंट कर दें ईद मुबारक. दोबारा से आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, विच विल बी ऑफ थर्ड डे ऑफ आर ईद, आखिरी दिन ऑफ ईद इंशाल्लाह. और फिर मुलाकात होगी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.